हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने सीएसएस की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां से पैडिंग को हटा दूं और अब मैं इसको सेव करूं, तो ये देखिए हमारा जो है कॉन्टेंट एचटीएमएल का वो ऐसे बन चुका है। तो इसकी जो विड्थ है उसको मैं अपनी विड्थ और हाइट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकता हूं। तो लेट्स से अगर मैं इसकी यहां पे विड्थ दे दूं, लेट्स से 300 पिक्सल विड्थ इसकी दे दूं 300 पिक्सल, और यहां पे मैं सेव करूं, तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो यहां पे कम हो चुकी है। ठीक है जी, और ऐसे ही अगर मैं इसकी हाइट को भी यहां पे बढ़ाना चाहूं, अगर मैं लेट्स से हाइट इसकी दे दूं 200 पिक्सल, तो ये देखिए इसकी जो हाइट है वो यहां पे इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितनी भी यहां पे हाइट दे सकते हो। अगर मैं 500 दूं तो वो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं विड्थ को भी इंक्रीज कर सकता हूं। अगर मैं 400 विड्थ दे दूं तो मेरी विड्थ भी वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर 500 दे दूं तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये है हमारी सीएसएस की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज। इनका यूज करके हम अपने एलिमेंट को उसका जो साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने सिर्फ विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।